ईयर 1995, नागपुर के वर्धमान नगर के इस बंगलों में एक परिवार रहने आया। इस परिवार में कुल 6 लोग रहने आए। इस फैमिली के सारे मेंबर बहुत अच्छे और खुशहाल थे। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मानो कि पूरे परिवार को किसी की नज़र लग गई, मानो कि पूरा परिवार एक झटके में ख़त्म हो गया। दरअसल हुआ ये था कि पूरे परिवार ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया। रात भर पूरे परिवार ने पिकनिक की तैयारी की। रात तक सब ठीक चल रहा था। फिर सुबह होने के बाद परिवार के एक मेंबर की पिकनिक जाने की इच्छा नहीं हुई तो वो नहीं गया, लेकिन परिवार के सारे मेंबर लोग पिकनिक एंजॉय करने निकल गए। पूरा परिवार रास्ते में अपनी ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था कि अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और परिवार के सारे लोग मारे गए। अचानक से ये हंसता खेलता परिवार एक पल में टूट गया। अब परिवार का जो आखिरी मेंबर बचा था, अब उसे ये घर रास नहीं आने लगा। उसे ये बंगलों में बहुत अकेला महसूस होने लगा। तो कुछ दिन बाद उसने ये बंगलों सेल करने का सोचा और बेच भी दिया। फिर कुछ दिनों बाद उस घर में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार के लोगों ने कंप्लेंट किया था कि ये घर बहुत अजीब सा है, रोज रात को यहाँ रोने की आवाज़ें आती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और उस परिवार के मेंबरों की भी मिस्टीरियस तरीकों से मौत हो गई। फिर उस परिवार के बाद जितने भी लोग उस घर पर रहने आए वो सब मरते गए। फिर दोबारा उस घर में कोई रहने नहीं आया। फिर वक्त गुजरता गया और अब आसपास के पड़ोसियों ने भी कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने वहाँ की खिड़कियों में परछाई देखी और रोने की आवाज़ें भी सुनी। तो फिर आसपास के पड़ोसियों ने फैसला किया कि सब मिलके उस घर के दरवाज़ों को और खिड़कियों को ईंटों से सील कर देंगे और आज तक वहाँ की खिड़कियाँ ईंटों से सील हैं। लोगों का मानना यह है कि उस घर के जो पहले सदस्य थे वो नहीं चाहते थे कि घर पे कोई और रहने आए, क्योंकि वो घर उनको बहुत पसंद था, इसलिए आज तक वो घर पे कोई रह भी नहीं पाया। तो ये थी उस घर की मिस्टीरियस कहानी। तो हे यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्ट मैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान पेलते रहते हैं। तो जिस बंगलों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उस बंगले के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था और बोला था कि इस बंगलों के ऊपर रिसर्च करें और वीडियो बना के बताओ कि ये घर सच में हॉन्टेड है या नहीं। तो मैंने अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ पता किया कि कुछ लोगों का मानना है कि ये घर हॉन्टेड है और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मानते। मानने वालों का कहना है कि ये घर इतना डरावना है कि रात को लोगों की परछाई दिखाई देती है और इसलिए घर की सारी खिड़कियों को दरवाजों को ईंटों से सील कर दिया गया है ताकि कोई दिखे ना, और कभी कभी घर से रोने की आवाज़ें भी आती है। और ना मानने वाले लोग कहते हैं कि इस घर को ईंटों से इसलिए सील कर दिया गया है क्योंकि घरों के अंदर वहाँ के बेवड़े लोग दारू और गांजे जैसे नशों के सेवन करते थे। हालांकि लोगों से इतना पूछताछ करने के बाद भी हमें कोई बराबर आंसर नहीं मिला। 50% लोगों का मानना था कि ये घर हॉन्टेड है और 50% लोगों का मानना है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है। अब हमें बराबर जवाब तो मिला नहीं, तो हमने सोचा कि चलो हम खुद ही अंदर जाके पता कर लेते हैं कि अंदर क्या फील होता है। पर जैसे ही हम गेट तक गए, वहाँ के कुछ लोगों ने हमें मना कर दिया अंदर जाने से। फिर हमें ऐसे ही खाली हाथ वापस आना पड़ा। पर मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी अब भी उस बंगले को लेकर ख़त्म नहीं हुई। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा जो कि चॉइस बाजार नाम के यूट्यूब चैनल ने 5 साल पहले अपने चैनल में पोस्ट करी थी। इस वीडियो में कुछ दोस्तों ने ऐसे ही मजाक में अंदर चले गए और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी कि वहाँ कोई भूत है या नहीं। हालांकि उन लोगों को वहाँ कुछ नहीं दिखा। उन लोगों ने सीधा बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, डरावना तो बिल्कुल नहीं है, बट वेट। पर मैंने जब उनकी वीडियो को 0.25x में स्लो करके देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जो आपको भी देखना चाहिए। डरो मत, मजाक करा था। चलो अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो। तो वीडियो को स्लो करके मैंने जब देखा तो मुझे 3 मिनट के 50वें सेकंड में मुझे वहाँ एक ऑर्ब दिखा।
अब ऑर्ब क्या होता है आपको तो नहीं पता होगा, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। ऑर्ब एक ऐसा धूल जैसा छोटा सा होता है। पैरानॉर्मल साइंस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये कहते हैं कि एनर्जी या फिर आत्मा, आत्मा अपने आप को ऑर्ब में मैनिफेस्ट करती है। मतलब आत्मा अपने आप को एक छोटे से धूल जैसे ऑर्ब में मैनिफेस्ट करती है। तो गाइस, जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना रिसर्च करके आपको बताया। मेरे ख्याल से कुछ तो है वहाँ जहाँ लोग इतने जाने से डरते हैं, लोगों को फेल भी होता है, और उस घर में जो भी रहने जाता है वो अपने आप कैसे मर जाता है। और हमें वीडियो में ऑर्ब भी दिखा, और कई जगह मेरे को वीडियोज़ में ग्लिचेस भी नज़र आए, मतलब ग्लिच हो रहे थे। मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि वहाँ, मतलब जहाँ कुछ हॉन्टेड होता है वहाँ कुछ कैमरे ग्लिचेस भी होते हैं। चलो, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना बताया। अगर आप चाहते हो कि मैं पक्का प्रूफ लेके आऊँ, तो पहले आपको मेरे को एक बड़ा यूट्यूबर बनाना होगा। अच्छे पैसे कमा कर मैं घोस्ट हंटिंग के इक्विपमेंट खरीद के लाऊंगा, और फिर आपको पक्के सबूत दूंगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।